ग्रिल जो है उसको साफ करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसके अंदर एरिया ही इतना छोटा होता है, लेकिन क्या करें, ये डस्ट दिखाएं जरा कितनी ज्यादा डस्ट है। अब इसके अंदर जब हम इसको अच्छी सी पॉलिश को करते हैं और ये हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं, तो वो जितनी भी डस्ट है वो सारी की सारी निकलना शुरू हो जाती है। चेक करें, आपको ये डस्ट उतरती भी नजर आ रही होगी। फोम का कलर ही वाइट से येलो हो गया हुआ है। ये डस्ट इन अनरीचेबल एरियाज के अंदर ये ब्रश ही काम करता है और ये आपके वापस रिस्टोर हो जाएगा बिल्कुल नया। उसके बाद आपने ये कैसे, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आपने अच्छी तरह जब ये इसको साफ करना शुरू करना है तो ये देखें वापस इसकी वो मैट फिनिश जो है वो वापस आ जाएगी। चेक करें, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं थोड़ा सा एरिया ही करके दिखा रहा हूँ आपको। ये चेक करें कहाँ डस्ट फंसी हुई थी और बिल्कुल वो वापस नया हो गया। ये दिखाएं, ये वापस डस्ट ऐसी थी। अब ये वॉश के साथ नहीं खाली जाती है, ऐसे टूल्स आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी पॉलिशेज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं।